महमूद गजनवी, ये नाम तो आप सबने सुना ही होगा। महमूद गजनवी वही इंसान है जिसने भारत पर एक दो नहीं बल्कि 17 बार आक्रमण किया था, और इसमें भी सोमनाथ मंदिर पर किया गया आक्रमण सबसे भयानक था, जिसकी वजह से महमूद गजनवी आज भी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान सहित पूरी दुनिया में मशहूर है। महमूद गजनवी की शुरुआती जिंदगी कैसी थी, सोमनाथ से पहले उसने और किन जगहों पर आक्रमण किया, और सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण की पूरी जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही आपको महमूद गजनवी की जिंदगी के आखिरी दिनों, उसकी मौत और उसकी कब्र से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपने आज से पहले शायद कभी नहीं सुनी होगी। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। 9वीं शताब्दी के अंत में जब ईरान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे देशों पर शासन करने वाला सामानी साम्राज्य अपने अंत पर खड़ा था, तो इसके अलग अलग क्षेत्रों में शासन करने वाले गवर्नरों ने भी अपनी स्वतंत्रता घोषित करनी शुरू कर दी थी। इनमें से ही एक गजनी के गवर्नर सुबुक्तगीन ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया और गजनी वंश की नींव डाली। इसी के बेटे को आज हम महमूद गजनवी के नाम से जानते हैं। महमूद गजनवी का पिता चाहता था कि जिस छोटे से साम्राज्य की उसने नींव डाली है उसका बेटा अपनी मेहनत और हुनर से उसे कई गुना ज्यादा फैलाए और उसके वंश का नाम दुनिया भर में मशहूर हो जाए। इसीलिए उसने बचपन से ही महमूद को सैनिक शिक्षा दी और उसकी परवरिश इस तरह की कि वो आगे चलकर एक महान योद्धा बने। 20 साल की उम्र होने तक महमूद युद्ध में इतना प्रवीण हो गया था कि कोई भी उसके सामने खड़े होने की मत तक नहीं करता था। यहाँ तक कि वो जिन हथियारों का इस्तेमाल करता था वो इतने भारी होते थे कि उसे कोई दूसरा फौजी इस्तेमाल भी नहीं कर पाता था। अपने आसपास के क्षेत्रों को जीतने के बाद महमूद के पिता ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया। इस समय वह हिंदू शाही राजवंश का राजा जयपाल शासन करता था। सुबुक्तगीन के हमले के जवाब में जयपाल भी एक बड़ी सेना लेकर युद्ध के लिए आ गया और दोनों सेनाओं के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। पर इस समय परिस्थितियां जयपाल के अनुकूल नहीं थी, क्योंकि ये युद्ध जिस इलाके में हो रहा था वो काफी ठंडा था और जयपाल की सेना के लिए इतनी ठंड में युद्ध करना काफी मुश्किल था, जिसका नतीजा ये हुआ कि जयपाल की सेना सुबुक्तगीन के आगे ज्यादा देर टिक नहीं पाई और जयपाल ये युद्ध हार गया और मजबूरन उसे संधि करने के लिए विनती करनी पड़ी, जिसके तहत जयपाल को 10 लाख दिरहम देने को तैयार हो गया। जयपाल संधि की ये रकम देने के लिए सुबुक्तगीन के कुछ सैनिकों को अपने साथ लेकर लाहौर की तरफ निकल पड़ा, लेकिन लाहौर पहुंचने पर उसने सुबुक्तगीन के इन सैनिकों को कैद कर दिया और दोबारा युद्ध की तैयारी करने लगा। इस बार उसने दिल्ली और अजमेर जैसी भारतीय रियासतों को भी युद्ध के लिए अपने पक्ष में कर लिया और अब उसके पास एक बड़ी सेना तैयार हो गई थी। सभी राज्यों को मिलाकर जयपाल के पास लगभग 1 लाख की सेना थी। जब वो इस सेना को लेकर युद्ध के मैदान पर पहुंचा, तो सुबुक्तगीन इतनी बड़ी सेना देखकर दंग रह गया। जयपाल के मुकाबले सुबुक्तगीन की सेना बहुत छोटी थी और सीधे तौर पर लड़ाई करके युद्ध जीता नहीं जा सकता था, इसलिए सुबुक्तगीन ने काफी सोच विचार करके एक प्लान बनाया। इसके लिए उसने अपनी फौज को छोटी छोटी कई टुकड़ियों में बांट दिया और जयपाल की फौज में उन जगहों को तलाश किया जो सबसे ज्यादा कमजोर थीं। इसके बाद जयपाल की फौज पर सीधे तौर पर हमला करने के बजाय अपने फौज की छोटी छोटी टुकड़ियों को जयपाल की फौज की कमजोर जगहों पर हमला करवाया। सुबुक्तगीन का ये प्लान काम कर गया और जयपाल की इतनी बड़ी सेना सुबुक्तगीन की छोटी सी सेना के सामने टिक नहीं पाई और एक बार फिर से जयपाल युद्ध हार गया, जिस वजह से पश्चिमोत्तर भारत का एक बड़ा इलाका सुबुक्तगीन के अंडर आ गया और धोखा देने के जुर्म में जयपाल को काफी ज्यादा हर्जाना सुबुक्तगीन को देना पड़ा। इसके कुछ समय बाद ही सुबुक्तगीन की मौत हो गई और शासन की सारी जिम्मेदारी महमूद गजनवी पर आ गई। शासन की बागडोर अपने हाथों में लेने के बाद महमूद गजनवी ने एक बार फिर भारत की ओर रुख किया। उसका ये पहला आक्रमण 1001 में पंजाब के ऊपर था, जहां का राजा उसका पुराना शत्रु जयपाल था। महमूद गजनवी ने एक बार फिर अपनी और अपने पिता के पुराने दुश्मन को बुरी तरह हरा दिया और महमूद गजनवी के सिपाहियों ने राजा जयपाल को जिंदा
बंदा पकड़कर कैद कर लिया। महमूद गजनवी ने एक बड़ी मोटी रकम वसूल करके जयपाल को जिंदा छोड़ दिया, लेकिन बार बार हार और आत्मग्लानी की वजह से जयपाल ने आग में कूदकर खुदकुशी कर ली। जयपाल के बाद अब उसका बेटा आनंद पाल राजा बना। वो अपने पिता की हार का बदला लेना चाहता था, जिसके लिए उसने एक के बाद एक करके महमूद गजनवी पर कई बार आक्रमण किया, लेकिन हमेशा की तरह महमूद गजनवी इन सभी लड़ाइयों में जीतता आया। अब साल 1008 आ चुका था और आनंद पाल ने एक बड़े युद्ध की तैयारी करनी शुरू कर दी। इस बार उसने दिल्ली, कन्नौज, अजमेर और ग्वालियर जैसी रियासतों को भी अपनी ओर मिला लिया, लेकिन इतने बड़े स्तर पर सेना रखने और युद्ध करने के लिए काफी पैसों की जरूरत थी। ऐसे समय में हिंदुस्तान की औरतों ने अपने जेवर और गहने बेचकर इस बड़ी फौज के लिए पैसों का इंतजाम किया। 1008 की ये लड़ाई पेशावर के एक मैदान में लड़ी गई। युद्ध शुरू होते ही लगा कि इस बार आनंद पाल का पलड़ा भारी है और वो कुछ ही समय में इस लड़ाई को जीत जाएंगे, लेकिन इतने में तीरों की बौछार और शोरगुल की वजह से आनंद पाल जिस हाथी पर बैठा था वो हाथी पागल हो गया और इधर उधर भागने लगा, जिससे आनंद पाल की सेना में भगदड़ मच गई। सैनिकों को लगा कि उनके राजा युद्ध छोड़कर भाग रहे हैं, इसलिए वो सबके सब मैदान छोड़कर भाग गए और एक बार फिर से महमूद गजनवी इस युद्ध में भी जीत गया। इसके बाद महमूद गजनवी ने भारत के ऊपर एक के बाद एक करके 15 आक्रमण किए और यहाँ से बहुत सा धन लूटकर गजनी ले गया। साल 1025 में उसने अपना 16वां आक्रमण किया और इसी आक्रमण की वजह से उसे आज भारत में जाना जाता है। ये आक्रमण था गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ मंदिर उस दौर में न सिर्फ हिंदुओं का सबसे पवित्र मंदिर था, बल्कि भारत का सबसे ज्यादा धनी मंदिर भी था। महमूद गजनवी ने अपने 5000 सैनिकों के साथ सोमनाथ मंदिर पर हमला किया और उस समय वहां शासन करने वाला सोलांकी राजा अपनी प्रजा और मंदिर को भगवान भरोसे छोड़कर पहले ही भाग गया था। महमूद गजनवी ने 2 दिन के अंदर ही मंदिर को अपने कब्जे में कर लिया और वहां की धन संपदा को लूटा। वो तकरीबन 5.5 टन सोना और 20 लाख की संपत्ति सोमनाथ मंदिर से लूट कर ले गया। इसके अलावा वो सोमनाथ मंदिर में लगा प्रसिद्ध दरवाजा भी गजनी ले गया, जिसे बाद में गजनी में उसकी मजार पर लगा दिया गया। हालांकि 1842 में एंग्लो अफगान युद्ध के बाद अंग्रेज ये दरवाजा महमूद गजनवी की मजार से उखाड़ कर वापस भारत ले आए थे, लेकिन ये दरवाजा जब भारत पहुंचा तो इसकी असलियत जानकर सब दंग रह गए। रिसर्च करने पर पता चला कि ये तो वो दरवाजा है ही नहीं जो सोमनाथ मंदिर पर लगा था, क्योंकि सोमनाथ मंदिर पर लगा दरवाजा चंदन की लकड़ी का था और ये दरवाजा जो महमूद गजनवी की मजार से लाया गया था ये देवदार की लकड़ी का था। और इसके अलावा इन दरवाजों की शैली गुजराती या भारतीय नहीं बल्कि इस्लामिक थी। सोमनाथ मंदिर से ले जाए गए दरवाजे का आज भी कुछ पता नहीं है, लेकिन महमूद गजनवी की मजार से लाया गया दरवाजा आज भी आगरा के किले में मौजूद है। अपने आखिरी वक्त में महमूद गजनवी को मलेरिया रोग हो गया था और 63 इयर्स की उम्र में 30 अप्रैल 1930 को उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों, ये थी भारत पर 17 बार आक्रमण करने वाले महमूद गजनवी की कहानी। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।